नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एमएस यूनिवर्सिटी, मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम और पीजी डिप्लोमा के एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। आज रोज थर्ड स्टेज का यानी कि थर्ड डे का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो फिनिश हो चुका है। मैं आप सभी को बता दूं कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एमकॉम डिपार्टमेंट के हर एक डिपार्टमेंट में सीट फुल हो चुकी है फॉर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं रिजर्व कैटेगरी यानी कि एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उनके लिए अभी भी कुछ सीटें बाकी है। तो कल वो सभी स्टूडेंट्स आए और जनरल कैटेगरी के भी स्टूडेंट्स आए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एमकॉम डिपार्टमेंट के स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं मिल पाएगा क्योंकि उस कैटेगरी के लिए सीट फुल हो चुकी है। और बात करेंगे पीजी डिप्लोमा, तो पीजी डिप्लोमा में भी तीन डिपार्टमेंट में सीट फुल हो चुकी है फॉर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स, सीबीएम कॉमर्स बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल, साथ साथ में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ये तीन डिपार्टमेंट पीजी डिप्लोमा में भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए सीट फुल हो चुकी है। और कल के शेड्यूल की मैं बात करूँगा तो कल कौन से स्टूडेंट्स को आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो कल 4 अगस्त है। 4 अगस्त के दिन सुबह 11 बजे जिस भी स्टूडेंट्स का ग्रांट टोटल 2101 से लेकर 2200 के बीच में है, 2101 से लेकर 2200 तक है, तो उन सभी को कल 11 बजे एमकॉम बिल्डिंग पर आना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद जो सेकेंड स्लॉट है, सेकेंड स्लॉट में 2001 से लेकर 2100 तक, 2001 से लेकर 2100 तक जिस भी स्टूडेंट्स का ग्रांट टोटल है उसको कल आना होगा दोपहर को 12 बजे। और लास्ट का जो स्टेज है थर्ड स्टेज 1 बजे का, उसमें जिस भी स्टूडेंट्स का ग्रांट टोटल 1901 से लेकर 2000 तक है, 1901 से लेकर 2000 तक है, उन सभी को 1 बजे आना होगा। और जो भी स्टूडेंट्स जिस किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जनरल से आते हैं, एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, वो सभी कल आए क्योंकि जनरल वालों के लिए भी फिलहाल इकोनॉमिक्स और कॉपरेटिव रूरल मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है, ये दो डिपार्टमेंट में जो सीट है वो सीट अभी फुल नहीं हुई है, वो सीट बाकी है, तो आप सभी उसमें आके आपका एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लाना होगा, तो फर्स्ट ईयर बीकॉम, सेकंड ईयर बीकॉम और थर्ड ईयर बीकॉम के रिजल्ट की जेरॉक्स कॉपी और जो मार्कशीट की हार्ड कॉपी होती है वो भी आपको साथ में लानी रहेगी। थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 का जो रिजल्ट है ऑनलाइन वाला, वो ऑनलाइन वाला आपको आपके साथ लाना रहेगा, उसकी जेरॉक्स कॉपी। और अगर आपने बाय चांस अगर मार्कशीट कलेक्ट नहीं की है तो आप नहीं लाओगे तो यहाँ पे आपको आके अंडरटेकिंग का फॉर्म भरना होगा, लेकिन मार्कशीट कंपलसरी आपसे मांगेंगे ही, तो मैं आप सबको ये भी अपडेट दे दूँ। और साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि थैलेसीमिया ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो भी आपको लानी होगी, अगर रिपोर्ट नहीं है तो आप उसकी जो रिसिप्ट है वो ला सकते हो। और थैलेसीमिया ब्लड टेस्ट हेल्थ सेंटर सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता है, आप वहाँ से भी करा सकते हो। और रही बात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी जो सर्टिफिकेट है वो लाना होगा। सभी स्टूडेंट जो सर्टिफिकेट है उसकी ओरिजिनल कॉपी लेके आए, अगर ओरिजिनल कॉपी नहीं होगी तो आपका एडमिशन उस टाइम पर नहीं होगा, आपको वहाँ से दूर कर दिया जाएगा और आपकी जो सीट होगी वो शायद किसी और स्टूडेंट्स के पास भी जा सकती है, तो इस बात का भी आप सभी स्टूडेंट्स को ख्याल रखना है। तो ये थी कल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन।